मंगल, तीन मुसाफिर सास बहू और बेटा, जंगल में मंगल बच्चा घंटोले, फिर से हो जाते हैं तैयार, तरकीब नंबर गुरुजी चार, हो जा तैयार बच्चे, जा जल्दी से, छिप जा कुएं में और बन जा कुएं का देव, जा जल्दी, अभी जाता है गुरुजी, हाँ बच्चा जा जल्दी छिप, जल्दी कर बच्चा छिप जा कुएं में, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, अलाख निरंजन, प्रणाम गुरुदेव, खुश रहो, कल्याण हो बच्चा, बाबा आपकी कृपा से सब कुछ है, पर घर में सुख शांति नहीं है बच्चा, हाँ बाबा जी, बहुएं हमेशा परेशान रहती हैं, और ये मेरी सबसे छोटी बहू है, इसे आशीर्वाद दीजिए बाबा, घर में शांति हो, जा बहू बाबा के पैर छू, नहीं नहीं सौभाग्यवती, मेरा पैर न छुओ, जाके उस कुएं के देव का पैर छुओ, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेगा और तुम्हारे घर में सुख शांति बनी रहेगी, लेकिन कुछ चढ़ावा चढ़ा देना दीदी, बहू चलो कुएं के पास भेंट चढ़ा दो, बेटा गठरी खोलो, अभी खोलता हूँ माँ, अरे मूर्ख गठरी क्या खोल रहा है, पूरी गठरी फेंक दे कुएं में, ये कैसी आवाज है बाबा, अरे मूर्ख ये कुएं के देव की आवाज है, दूर से मूर्ख, वरना कुएं का देव अंदर खींच लेगा, फेंक दे जल्दी, फेंक जल्दी जल्दी फेंक, मूर्ख जल्दी जल्दी क्या कर रही हो, सास बहू गहने से लदी खड़ी हो, परिवार की चिंता नहीं है, सत्यानाश कराएगी बुढ़िया, मैं चला, नहीं नहीं बाबा जी आप ऐसा मत कीजिए, हम बर्बाद हो जाएंगे, तो जा मूर्ख अपना और अपने बहू का सारा जेवर फेंक दे कुएं में, जा जी मैं अरे मूर्ख इतना समय तो लगा रही है, फेंक जल्दी, तुम भी फेंक दो अपना जेवर बच्चा, कल्याण होगा, जा बहू जेवर उतार दे, बस भाई देख जा, जल्दी करो बच्चा दूर से, चिंता मत करो बच्चा, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसके ऊपर कुएं का देव खुश हो गया है, चुप रहो मूर्ख, मैं कुएं का देव नहीं, कुएं की देवी हूँ, कौन है कुएं के अंदर, सच सच बता, ये तुम क्या कह रही हो, कुएं के अंदर कोई नहीं है, तू मुझे मूर्ख समझता है, मैं कुएं की देवी हूँ, कौन है कुएं के अंदर, कुएं के अंदर कोई नहीं है, ब्रह्मांड की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरी नजरों से छुपी हो, कौन है कुएं के अंदर, जल्दी बता, कुएं के अंदर कोई नहीं है देवी, जल्दी बता मूर्ख, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगी, क्षमा क्षमा देवी क्षमा, मैं बताता हूँ देवी, कुएं के अंदर मेरा घंटोले है, तो अपने जिस घंटोले से बोल कुएं से बाहर आ जाए, वरना मैं कुएं में आग लगा दूंगी, नहीं नहीं देवी कुएं में आग मत लगाइए, क्षमा देवी मैं उसे बुलाता हूँ देवी, अरे बच्चा घंटोले कुएं से बाहर आ जा बच्चा, बच्चा घंटोले, जी गुरुजी, अरे बच्चा कुएं से बाहर आ जा बच्चा, आता हूँ गुरुजी, और उससे बोला सारा मारता है,
हाँ बच्चा बोल, सारा सामान भी लेता है, सारा माल टाल भी लेते आना बच्चा, लेने के देने पड़ गए हैं यहाँ। लाता हूँ गुरुजी। हाँ बच्चा जल्दी आ, मूर्ख बहुत समय लगाता है, आ जल्दी। क्या घपला है गुरुजी? क्षमा देवी जो कुछ भी इनका शिष्य हूँ देवी। चुप रहो तुम दोनों गुरु और घंटोले, आते जाते मुसाफिरों को तंग करते हो, उन्हें परेशान करते हो, थकते हो, लूटते हो, मैं तुम लोग को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्षमा देवी क्षमा, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे देवी, अब किसी को नहीं ठगेंगे। बता तेरे गुरु की दाढ़ी और मूछे असली है या नकली? अरे अरे हम लूट गए, बर्बाद हो गए, इन कमबख्तों ने हमें ज्योति चार बनकर ठगा था, इन कमबख्तों को मारो, इन कमबख्तों ने हमें ज्योति चार बनकर भाग बच्चा घंटोले। अरे मूर्ख लड़के उसे और भाग जा, ना किसी में जाना, गाय बाय मत देख, भाग बच्चा घंटोले भाग, लेने के होशियार हो, समझदार हो, अंधविश्वास को दूर करने वाली हो। अरे वाह रे बहू, तू तो बड़ी समझदार है, मेरी बहू को नजर ना लग जाए। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को दिखाए जाने का सिद्धांत मात्र मनोरंजन करना ही नहीं है, बल्कि यह नाटक आप लोगों को भी ऐसे ठगों से, साधु के भेष में छुपे लुटेरों से सावधान करता है। और मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बहू को, बहनों को और बेटियों को जरूर शिक्षित करें। पता है आजकल बेटियों की स्थिति तो घर में ठीक है, पर बहुओं को पराया सा समझा जाता है, उनके साथ पराया सा व्यवहार किया जाता है। एक मजबूर बहू और एक मजबूर बेटी क्या कहती है जरा सुनिएगा। चिड़िया होती है बेटियाँ, चिड़िया होती है बेटियाँ, पर पंख नहीं होता बेटियों के, मायका भी होता है, ससुराल भी होता है, पर घर नहीं होता बेटियों के। मायका कहता है तू तो पराई है, ससुराल कहता है तू तो पराए घर से आई है, ऐ खुदा अब तो ही बता ये बेटियाँ किस घर के लिए बनाई है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी बहनों को बेटियों को जरूर पढ़ाएं। अगर एक बेटी शिक्षित होती है, तो उसका तीन तीन घर शिक्षित होता है। पता है जो कर सका ना बेटा वो कर जाती है बेटियाँ, जो कर सका ना बेटा वो कर जाती है बेटियाँ, एक घर की लाज बचा सका ना बेटा, दो दो घर की लाज बचाती है बेटियाँ। धन्यवाद। जय हिंद।